हर एक काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यूँ तो हर कोई काट लेता है अपनी ज़िंदगी, तुम ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो आज हम बात करेंगे स्टडी मोटिवेशन के बारे में। हमको जब किताबें देखते तो कुछ लोगों को तो डर लगता है कि हम पढ़ाई कर भी पाएंगे या नहीं। हमको तो पढ़ाई नहीं करनी, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता, कभी कभी तो हम सो जाते हैं। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके अंदर पढ़ाई के लिए आग लगा देगी। मैं हूँ आपका होस्ट एंड स्पीकर हुसैन लाइट वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल होता है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाई कर रहा, ठीक है, सभी का कोई ना कोई गोल है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ पढ़ाई करके। सबका कोई ना कोई मोटिवेशन है और सबका कोई ना कोई गोल है, आपका भी होगा। वही गोल आप अचीव कर पाओगे जो आपके हाथ में है उसे पढ़ के। जी, ये मैं वापस बोल रहा हूँ कि वही गोल आप अचीव कर पाओगे जो आपके हाथ में है उसे पढ़ के, उसके बिना आप अचीव नहीं कर पाओगे। ये तो रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, और यही रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप उस किताब से दोस्ती नहीं करोगे ना, तो किताब आपकी दुश्मन बन जाएगी। आप नहीं चाहते किताबें आपकी दुश्मन बने, आपको किताबों को अपना दोस्त बनाना है। इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि किताबों से दोस्ती रखनी ही चाहिए, क्योंकि किताबों के बिना आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप जीवन के कोई भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी बड़े से बड़े आदमी से मिल लो, सब ना सब लोग कहीं ना कहीं किताबों से दोस्ती करके ही आगे आए हैं। और किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, ऑडियो लाइब्रेरी होती है, ऑडियो मतलब कि बुक डाउनलोड करो और उसको सुनो। बहुत से लोग ऐसे भी पढ़ाई करते हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको मैं बोलता हूँ कि सुनो चीज़ों को। सुन के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वीडियोस देखो, जो भी आपका चैप्टर है, आपको तो आप कुछ भी ऑनलाइन, जो डिजिटल इंडिया है जो हमारे मोदी साहब ने चालू किया है, अब तो सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ चैप्टर सर्च मारना है अपना। जैसे ही चैप्टर सर्च मारोगे तुरंत आ जाएगा पूरा का पूरा उसका लेसन, सिलेबस, चैप्टर, समरी, सब कुछ मिलता है आपको। झूठ मत बोलो अपने आप से कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। आप पढ़ाई कर पाते हो, लेकिन आपको रोकता है कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके दिमाग में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, 15-20 मिनट पढ़ता हूँ और फिर फ़ोन उचक लेता हूँ। ये चीज़ सही है? आप खुद सोचो, मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद सोचिए ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ जो भी आपको लक्ष्य से दूर कर रही है ना, उससे आप दूर हो जाओ। मैं ये ट्रूथ बता रहा हूँ। अगर फ़ोन का कोई काम नहीं है, फ़ोन आपको कोई मदद नहीं कर रहा, तो थोड़े दिनों, थोड़े वीक या थोड़े महीनों के लिए फ़ोन को छोड़ दोगे तो आप मर नहीं जाओगे। लेकिन ये जो आपका लक्ष्य है ना, ये अगर चला गया तो सालों के बाद भी आप अपने आप को कोसोगे कि ये चीज़ मेरे दोस्त लोग जिसके मैं साथ था, सब लोग निकल चुके हैं लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ। और ये चीज़ आपको रिग्रेट फील करवाएगी। और अगर आप फेल भी हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फेल भी हो गए तो भी अपने आप को कोसोगे कि मैं शायद एक बार ये किताब पढ़ लेता। एक ही बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ जीवन में हो, मन लगा के करो। जो भी चीज़ आप मन लगा के करोगे ना, वो आगे ज़रूर आपको सफलता देगी। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक बार किताब पढ़ते थे कोई भी, और उनको याद रह जाती थी। आप सोच सकते हो कि कितना मन लगा के वो पढ़ते होंगे। उनको ही सोच के आप भी चालू करो। उनका तो एक कोट भी है कि उठो, जागो, और जब तक आप अपना गोल प्राप्त ना करो तब तक चलते रहो। और यही मैं भी चीज़ बोलना चाहूँगा, उठ जाओ, जाग जाओ, और जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म ना हो तब तक लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यही चीज़ आपको जीवन में आगे ले जाने वाली है। और कोई भी आपको बोले पढ़ाई से कुछ नहीं होता, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो मैं आपको बता देता हूँ सत्य, कॉम्पिटिशन हर जगह पर है, हर जगह पे आज कंपटीशन है। लेकिन हर कोई वो कंपटीशन को तोड़ने के लिए बैठा है, और वही कंपटीशन को तोड़ने के लिए आप भी बैठे हो। तो आप भी वो कंपटीशन को तोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब आप अच्छी नौकरी पे बैठे होंगे, बड़े अफसर बने होंगे, तो सोचिए आपके माँ बाप को कितना प्राउड होगा, आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको प्यार करते हैं उन लोगों को कितना प्राउड होगा, आप कितना प्राउड फील करोगे। तो यही चीज़ है कि पढ़ाई हमेशा मन लगा के करनी चाहिए। और लास्ट में मैं ये चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे से वन ऑन वन कॉल पे बात करना चाहते हो, वन ऑन वन कॉल पे सेशन बुक करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और चार्जेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दोनों मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए। शुक्रिया।